डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, और दिल्ली में अगर हम बात करें बीबीए कोर्स की तो बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट आप लोगों को डिग्री प्रोवाइड करती है बीबीए कोर्स के लिए। तो इसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आफ्टर क्लास 12 बीबीए करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 85% सीट जो दिल्ली कैंडिडेट्स के रिजर्व है, क्योंकि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो आप समझेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बीबीए कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 साल का कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से इस कोर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकता है बीबीए कोर्स के लिए। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया तो 50% आप लोगों की क्लास 12 के अंदर होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो आप, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फिल करना होगा सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अब यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है टोटली सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम किस डोमेन में देना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको ये समझना है कि सबसे पहला स्टेप होता है आप लोगों का सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, दूसरा उसका एंट्रेंस एग्जाम देना। जैसे आप लोगों के पास उसका स्कोर आ जाएगा, आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीयूटी का एग्जाम दिया बस बात खत्म, लेकिन आप लोगों को इसके आगे भी पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ता है, जो कि इनका खुद का यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपका इनके पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अपने कट ऑफ रिलीज करती है। अगर आपका उसको कट ऑफ में नाम आता है, देन आपको इनका फीस जो है पे करना पड़ता है। जैसे आप अपना फी पे करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन होगी, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आप लोगों को जो है एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 50% क्लास 12th में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एससी एसटी स्टूडेंट और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 5% का जो है रिलैक्सेशन रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% पे भी आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो सकता है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दूसरा आपके पास बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है, 63 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी बीबीए कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो है इंग्लिश का एग्जाम देना है, साथ में आपको देना है जनरल टेस्ट। ये दो सेक्शन है आप लोगों को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए देने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो यहाँ पे आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, टेंसेस, वॉइसेस और नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों से यहाँ पे क्लास 12th के बाद जो है सीयूटी के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है, ये आप लोगों का मेजरली सभी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो कॉमन रहता है सीयूटी के अंदर, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है जो बीबीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे आपसे इंग्लिश तो पूछा ही जाता है, साथ में जनरल टेस्ट भी जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपसे पूछती हैं। तो अगर आप सीयूटी के थ्रू मतलब बीबीए कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो ये दो चीज़ें जो है आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट इज इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। और इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली हम जो है आप लोगों को एक ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में टारगेट करवाते हैं, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, डीएसयू हो गया, इसके अलावा आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, और जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको बीबीए करने को जहां पे भी मिल रहा है उसके लिए आपको हम कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू करवाते हैं। आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते के साथ ही हमारे करियर काउंसलर्स आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। हमारे फैकल्टीज जो आप लोगों को लाइव आगे पढ़ाते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, उनके साथ भी कनेक्ट करवाते हैं। कोई भी डाउट है, आपका क्वेरी है, वन-टू-वन इंटरेक्शन भी हम आपके साथ करते हैं। तो ये है आप लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करके जुड़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और साथ में कमेंट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी पिन करा है इफ एनी केस आपको कोई डाउट रहता है। तो इसके बाद हम एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे और अच्छे से। जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो यहाँ पे आपसे 1 घंटे का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, जनरल टेस्ट आप लोगों का 1 घंटे का एग्जाम होता है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 का डिडक्शन होता है अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो उसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप 50 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको सिंपली 10 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के हट जाते हैं, आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको 60 में से 50 क्वेश्चन आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जब जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट अंदर अपने आप में काफी सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जनरल नॉलेज आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज है,
करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड साथ में आप लोगों से लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जो है आप लोगों से पूछी जाती है। तो जनरल टेस्ट अपने आप में ही काफ़ी बड़ा सेक्शन है आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जनरल टेस्ट के अंदर आपसे करंट अफेयर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट लैक कर जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो करंट अफेयर की प्रिपरेशन भी नहीं करते, ये सोच के कि यार सब तो पता ही है, सुनते रहते हैं तो हमें ज़्यादातर न्यूज़ जो है अपनी पता ही है। तो लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना कि भाई आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब हमारा एग्जाम के अंदर 3-4 महीने होते हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम में हम अपने 6 महीने के जो है करंट अफेयर्स मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। जब एग्जाम के अंदर रह जाते हैं 2 महीने तो हम लोग अपना जो है मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और एग्जाम से 1 महीने पहले हमें क्या करना है अपना वीकली करंट अफेयर भी सारे कवर कर लेने हैं, और देन उसके बाद हमारे जो है डेली करंट अफेयर्स हमको यहाँ पे कवर करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम अपने एक स्ट्रैटेजी भी बनाते रहते हैं और हमने काफ़ी सारे जो है सेशन अपने एप्लीकेशन पर लिए, तो वो आके जरूर आप अटेंड करें। करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में बात कर ले तो आपसे एलर्जी क्लासिफिकेशन सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट लॉजिकल वेन डायग्राम नंबर रैंकिंग सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है आप लोगों का क्लास 8th लेवल तक का मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो मतलब टॉपिक आपने सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन अभी उसको क्या करना है आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। तो इसके लिए आपको वर्क एंड टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मिक्सचर एंड एलिगेशन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेंसुरेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 8th लेवल तक में। और इसके अलावा यहाँ पे ना और भी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हमने क्या करा मेन टॉपिक्स को आपके लिए लिख दिया जो कि मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन सिलोजिज्म एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है। अभी जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना ऊपर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स वाला जो है इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हम बात करते हैं रीजनिंग की तो यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट इससे दो दो क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए आपने जो 5 सेक्शन देखे अभी मैंने आपको जो दिखाया उसमें से आप 10 क्वेश्चन अपने स्किप कर पाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप मोटा मोटा अपने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने 10 के 10 क्वेश्चन एक ही सेक्शन में से छोड़ दे। तो आपको करना क्या है सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि आप एक दो क्वेश्चन एक एक सेक्शन से पूछ अपने जो है छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा 48,000 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रहता है, और अगर हम बात करते हैं 6 सेमेस्टर की फीस की तो 2,63,000 रुपये आप लोगों की जो है फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर आ जाती है आप लोगों की जो फी ब्रेकअप होता है इस तरीके से होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर है उसकी फीस देखेंगे तो ट्यूशन फीस 35,000 रुपये है, कोर्स मटेरियल की फीस है 2,500 रुपये है, तो ऐसे करते करते टोटल आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है 48,000 रुपए बन जाता है। तो आप लोगों को जो फीस है कह सकते हैं कि एक तरीके से ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं अदर प्राइवेट कॉलेजेस से तो देखेंगे आप 1-1.5 लाख रुपए साल की फीस होती है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी ड्यूम्ड यूनिवर्सिटी जो आप लोगों से साल के 2 लाख रुपए भी चार्ज करती है बीबीए कोर्स के लिए। तो अगर हम देखें आरओआई के मामले में तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोगों को डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अच्छा मिल सकता है, और साथ में मिलती है आपको एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री। तो यह है डिटेल डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीए कोर्स की। इसके अलावा मैंने काफी सारे कोर्सेज के लिए पहले वीडियो बनाई है, आप किसी और कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए, मैंने नंबर आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।